कि गारंटी का मतलब क्या होता है, इन पांच लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके सिद्ध कर दिया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस सब मकसद को लेकर जो उत्साह है वाकई अभूतपूर्व है। यह उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं, और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी, बम बंदूक अपहरण अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में IIT और IIM जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं।
जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है, साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था कि यहां जम्मू में भी IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में IIT भी है और IIM भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां IIT जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIIT DM कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज IIM जम्मू के साथ साथ IIM बोधगया बिहार में और IIM विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज NIT दिल्ली, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT दुर्गापुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISER बहरामपुर, IIIT लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों,
10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है, और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी, वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक एमबीबीएस की सीट यहां पर है। 2014 से पहले यहां पर एक भी मेडिकल पीजी की सीट नहीं थी, वही आज उनकी संख्या बढ़कर 650 से अधिक हो गई है। 4 सालों में हां करीब 45 नए नर्सिंग और पैरामेडिक कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें सैकड़ों नई सीटें जोड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी, और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है। बीते 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक जम्मू में आज आपकी सेवा के लिए तैयार है, और एम्स कश्मीर भी तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है।
और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए, 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए, गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे देती रही, झूठ बोलती रही कि वन रैंक वन पेंशन लाएगी, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो, तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पत्तारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को हुआ है। हमारी सरकार जो पक्के घर बनवा रही है, उनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है।
हर घर जल योजना ने हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण ने, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने यहां की बहनों बेटियों का जीवन बहुत आसान बनाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी बहनों को वो हक भी मिले हैं जिनसे पहले उनके वंचित रखा गया था। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर के घर जा रही हूं। देश में बहुत बड़ी संख्या में बहनों की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। इसके लिए हमने हजारों स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है। लाखों रुपए के इन ड्रोन से खेती और बागवानी में मदद मिलेगी। खाद हो, कीटनाशक हो, इनके छिड़काव का काम बहुत आसान हो जाएगा और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई होगी। भाइयों और बहनों, पहले भारत के बाकी हिस्से में एक काम होता था और जम्मू कश्मीर में उसका लाभ या तो मिलता ही नहीं था या फिर बहुत देर से मिलता था। आज विकास के सारे कार्य पूरे देश में एक साथ हो रहे हैं। आज देश भर में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं तो जम्मू कश्मीर भी कभी किसी से पीछे नहीं है। आज जम्मू एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी शुरू हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, आप देखिए, जब देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूट्स में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और आसान बनाया। मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। साथियों, गांव की सड़कें हो, जम्मू शहर के अंदर की सड़कें हो या फिर नेशनल हाईवे, जम्मू कश्मीर में चौतरफा काम चल रहा है। आज अनेक सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें श्रीनगर रिंग रोड का दूसरा चरण भी शामिल है। ये जब बनकर तैयार होगी तो मनसबल झील और खीर भवानी मंदिर आना, वहां जाना और आसान हो जाएगा। जब श्रीनगर बारामूला उरी ये हाईवे का काम पूरा होगा तो इसे किसानों और टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा लाभ होगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, इसके विस्तार से जम्मू और कटरा के बीच की सुविधा और बेहतर होगी। जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा तो जम्मू और दिल्ली के बीच आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, विकसित होते जम्मू कश्मीर को लेकर आज पूरी दुनिया में बहुत उत्साह है। मैं तो हाल में ही गल्फ देशों के दौरे से लौटा हूं। वहां जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है।
आज जब दुनिया जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो देखती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की सुंदरता, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और आप सभी के स्वागत से बहुत प्रभावित हुई है। आज हर कोई जम्मू कश्मीर आने के लिए तत्पर है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, जो एक रिकॉर्ड है। अमरनाथ जी और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा हो गई है। आज जिस गति से यह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको देखते हुए ये संख्या आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाली है। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या यहां रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बनाने वाली है। भाई और बहनों, बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो क्या होता है? तब सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे आता है। आज भारत गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्के घर, गैस, टॉयलेट, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी अनेक सुविधाएं दे रहा है। ये इसलिए क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है। अब हमें आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। इससे गरीब कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की देश की क्षमता कई गुना और बढ़ जाएगी। यहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के हर परिवार को होगा, आपको होगा। आप हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना बड़ा विकास उत्सव हुआ है, हमारे पहाड़ी भाई बहनों के लिए, हमारे गुजर भाई बहनों के लिए, हमारे पंडितों के लिए, हमारे वाल्मीकि भाइयों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो विकास उत्सव हुआ है, मैं आपसे एक काम कहता हूं, करोगे? करोगे? एक काम करोगे, अपना मोबाइल फोन निकाल करके, फ्लैश लाइट जला करके आप इस विकास उत्सव को जरा आनंद लुटाइए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए, जो जहां खड़ा है सब अपने मोबाइल की फ्लैश चालू करें और विकास उत्सव को उसका स्वागत करें। हम सबके मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट चालू हो जाए, सबके मोबाइल के ये विकास उत्सव सारा देश देख रहा है कि जम्मू चमक रहा है, जम्मू कश्मीर की रोशनी देश में पहुंच रही है। शाबाश। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।